हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पीसीएस 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है ये हम समझते हैं। द मंथली इनकम ऑफ टू फैमिलीज ए एंड बी आर शोन बाय द फॉलोइंग डायग्राम्स। दो डायग्राम दिए गए हैं, इस बेसिस पे उनके इनकम को बताया गया है, फैमिली ए एंड फैमिली बी। इफ द इनकम ऑफ फैमिली बी इज 12,000, अगर इनकम फैमिली बी की 12,000 है, देन द क्वेश्चन आस्क अबाउट द इनकम ऑफ फैमिली ए। ओके, एंड चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस जो आपका इनकम का एक रेक्टेंगल में बताया गया है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका रेक्टेंगल है, इसमें क्या है आपका, आप देख रहे होंगे कि लेंथ 5 है एंड जो इसका हाइट है वो 2 है, और इसमें जो लेंथ है 1 है एंड जो लेंथ है आपका 4 है एंड हाइट जो है 1 है। तो ये एक रेशियो के फॉर्म में बताया गया है कि ए एंड बी का जो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रेशियो दे दिया गया है, बस इसका यही काम है। ठीक है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये रेक्टेंगल किस पे है। तो ये रेक्टेंगल सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो बता रहा है, और रेशियो किस बेसिस पे बता रहा है, रेशियो बता रहा है, वो बता रहा है एरिया के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आप एरिया के बेसिस पे अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो ऑफ फैमिली ए एंड बी क्या आएगी, फैमिली ए एंड बी की बात करोगे तो ए का कितना हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा कितना है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ आपका कितना आएगा, ये आएगा 5:2। ठीक है, तो लेंथ इंच टू ब्रेथ 5:2 आएगा, तो ए का एरिया हो जाएगा 5:2 विल बी इक्वल्स टू 10 यूनिट में। और अगर यूनिट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो क्वांटिटी में, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी का कितना है आपका, बी का है आपका, देखोगे इधर तो बी क्या है आपका, 4:1 के फॉर्म में। ठीक है, 4:1 लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें भी आप एरिया को करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x। ओके, नाउ जब ये एरिया का रेशियो अगर आप देखोगे, तो अगर हम एरिया का रेशियो लें ए इज टू बी, तो कितना आ जाएगा आपका, 10x बाई 4x विच विल बी 5:2। ठीक है, एरिया का रेशियो आपका ए इज टू बी कितना आ जाएगा, 5:2। दैट मीन्स अगर हम बात करें बी के बारे में, क्योंकि बी की इनकम कितनी दी गई है, बी की इनकम दी गई है 12,000 रुपीज, इसी की इनकम दी गई है 12,000 रुपीज। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आप 4x ले लो या 2x ले लो, तो मान लेते हैं हम 2x लेके चलते हैं। तो अगर 2x क्वांटिटी के लिए इनकम कितना है, 12,000 रुपीज है एरिया के, एरिया वाइज, तो 5x के लिए क्या हो जाएगा, ये हम यूनिटरी मेथड से देख लेंगे। 5x के लिए कितना हो जाएगा, 5x के लिए हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 5x। ओके, 2x बाई 5x, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, 2 6 12 6000 एंड इट विल बिकम 5 6 30 30,000। ओके, x, ठीक है, x कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। तो ए की इनकम कितना हो गई आपकी, अगर हम बात करें यहाँ पे ए की इनकम, तो ए की इनकम आ रही है आपकी 30,000। तो ये ऑप्शन में हमारा है क्या, हाँ ऑप्शन में है, क्या है हमारा यहाँ पे, है ऑप्शन डी। तो डी विल बी द राइट आंसर।